जो कहानी आपको बता रही, कहानी सब ये सीखिएगा कि पढ़ाई का आपको जो है पढ़ाई का कितना बड़ा महत्व है। एक छोटा सा अक्षर अगर आपके पास ज्ञान है तो बहुत कुछ कर सकते, ठीक है। तो एक गाँव में एक उनके पिताजी और एक बेटा दोनों रहता था साथ, ठीक है। पिताजी होता था एक नंबर के बेईमान, एक नंबर के बेईमान आदमी था। कह दिया था कि बेटा जिंदगी में सारा चीज करना, बाकी पढ़ाई का कोई ज्ञान नहीं है। अगर तू पढ़ाई का ज्ञान ले लिया तो तुम पिता चला देगा। कह दिया बेटा कि जिंदगी में सारा चीज करना है, बाकी पढ़ाई का ज्ञान नहीं लेना है। पढ़ाई से कोई फायदा उदा नहीं है, पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। चोरी करो, समझ गया ना, डकैती करो, किसी का मर्डर कर दो, सारा चीज करो, बाकी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं। ऐसा अपने बेटा को सुना दिया, बोला कि अगर तुमको एक भी थोड़ा सा भी अगर जो है पढ़ाई के बारे में तुम जान गया तो तुमको क्या करेगा, मार देगा, ठीक है। डर गया बेटा, था डर गया, बोला क्या करेगा, अरे तो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या किया, एक जगह से चोरी करने, ठीक है, चोरी करने गया, ठीक है। चोरी करने गया तो चोरा क्या रहा था, चोरी करके आ रहा था तो एक आवाज आई उसको, ठीक है, एक आवाज आई उसको, आत्मा की आत्मा के पास परछाई नहीं होती। क्या है, बोले आप लोग क्या है, आत्मा के पास परछाई नहीं होती, ठीक है। कहने नहीं, सब बात हमको नहीं सुना, कान बंद कर भागने लगा, भागने लगा, नहीं नहीं सबको नहीं सुना है, अच्छा बात क्या है, नहीं सुनने के लिए, अच्छा बात मेरे पिताजी कहने पे कानून बंद क्या क्या भागने लगा। फिर उसके बार बार दिमाग में आ रहा था, वो सुना था, सुन लिया था कमेटी, आत्मा के पास परछाई नहीं होती, ठीक है। जा रहा था रास्ते में, ठीक है, तो भगवान ने सोचा इसका ट्राई करते, इसका ट्राई करते हैं और इसको बताते हैं कि पढ़ाई का क्या महत्व है, ठीक है। आगे से जाया, मनुष्य का फेस में आए और आगे से उसको कह दिया, तुम चोर हो, तुम चोरी करके आए हो, मैंने तुमको देखा हो, तुम पकड़ा गए हो, तुम नहीं जा सकते। बोला कि नहीं, चोर नहीं हूँ, कौन बोला चोरी, देख लीजिए आप, हम कुछ नहीं, नहीं चोर है। तो देखो तुम जो है सोच लो, अगर तुम नहीं बताया चोरी तो तुम्हारे साथ हम बहुत बुरा करेंगे, मैं कुछ चुरा ही नहीं है, क्या करना है, जो करना है कर सकते हैं, हम चोरी नहीं किए हुए हैं। तो देखो तुम अगर नहीं मानोगे तो हम जो है आत्मा को यहाँ बुलाएंगे, हम आत्मा को यहाँ बुलाएंगे, और आत्मा को बुला के, और आत्मा तो जानता है, आत्मा तो सबके मन के पास जाता है, आत्मा तो हर जगह रहता है, अगर तुम चोरी किए होगे तो आत्मा तो तुमको पहचान लेगा कि भाई चोरी किया हुआ है, और बता देगा तो तुमको ये जब दंड होगा, वो बड़ा ठीक करता है ना, हम नहीं चोरी किए हुए, चोरी किए ही नहीं था, बुलाइए किसको बुलाना है तो बुलाइए, मन मन जाएगा तो ठीक है ना, बुलाइए किसी को बुलाना है, बुलाइए। अंदर गया, अंदर एक व्यक्ति को, एक आदमी को तैयार कर दिया, पूरा आत्मा वाला भेष कर दिया, ठीक है। और वो जो है कहा कि देखो बुला रहे हैं, अभी भी बता दो चोरी कहाँ किया और कहाँ छुपाया है तुम, देखो अभी भी तुमको बहुत ज्यादा, अगर नहीं बताया वो पता चल गया, आत्मा तो सारा चीज जानती है, बता दिया तो फिर तुम क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा तो फिर तुमको पिटाई लग जाएगा, मार लग जाएगा, बता दो अभी भी, कम दिए नहीं तुम कहाँ से बता, ठीक कर तो बाप मेहमान बेटा कैसे बन रहा है, बुलाओ। जैसे वो आ रहा, जैसे वो घर में से निकल के आया, ठीक है, उसके दिमाग में एक बात याद आ गया, हम सुने जब उसको देखा, जब वो देखा तो उसके दिमाग में एक चीज आ गया, क्या चीज, जो सुना था, क्या सुना था, आत्मा का परछाई नहीं होती है। जब वो आ रहा था बाहर से निकल के आ रहा था तो उसका परछाई बन रहा था, क्या बन रहा था, परछाई, तो परछाई बन रहा था उसके दिमाग में आया, हमको तो रास्ता में सुनाई दिया है कि आत्मा को परछाई नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, मनुष्य है, और ये मनुष्य हम जो चोरी किए हुए ये नहीं पहचान सकता, नहीं पहचान सकता हुआ, ठीक है। तब दैव बोला कि नहीं नहीं किए, तब आत्मा भी आई तो बोली कि जब कह रहा है नहीं किए हुए तो नहीं किए हुए, तब उसने सोचा, चोर जो था वो दिमाग लाया कि पढ़ाई का हम थोड़ा सा ज्ञान, एक ज्ञान से सीख लिए हैं, पढ़ाई का थोड़ा सा हम नॉलेज प्राप्त कर लिए, पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा हम सुन लिए हैं कि आत्मा के पास परछाई नहीं होती है, और इतना सीखने के बाद हम चोरी से जब बच सकते हैं, और पढ़ाई का अगर पूरा नॉलेज हमारे पास हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते, पढ़ाई का अगर पूरा नॉलेज मेरे पास है तो हम क्या नहीं कर सकते। उसी के बाद ले गया उस संत को अपने पापा के पास, पापा के पास ले जाने के बाद बोला कि पापा आज से ये सारा गलत काम हम छोड़ रहे हैं, ये एक आत्मा के बारे में हम जाने हैं, कहीं सबको सुनाई दिया है, एक छोटा सा पढ़ाई के बारे में पूरा समझ लिए, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा चोरी से आज बच गए, अगर पढ़ाई का पूरा नॉलेज लेंगे तो हम कहां से कहां तक पहुंचे। पढ़ाई को छोड़ा, पढ़ाई को छोड़ने के बाद क्या है, वो और उनके पिताजी दोनों जो मस्त जिंदगी जीने लगे, पढ़ाई लिखाई के रूट में चले गए, आगे जाके बहुत बड़ा कलेक्टर हो गए।